हेलो फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे का ख्याल बहुत ज्यादा रखते हैं, एक दूसरे की चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, एक दूसरे के टाइम को भी एडजस्ट करना अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन कई बार इतनी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद भी लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। इसीलिए अगर आप भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी डेट पर गई हैं और जिस डेट पर आप किसी जगह पर गई हैं और अगर आपका आपके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाता है तो लड़ाई को वहीं खत्म करते हुए उस जगह को वहां से छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप आर्गुमेंट को बढ़ाते चले जाएंगे तो लोगों के बीच में आपका तमाशा ही बनेगा, कोई भी आपको सही राय देने आने वाला नहीं है। इसीलिए अपनी लड़ाई को खुद की समझदारी से वहीं खत्म करते हुए उस जगह से निकल जाइए। अगर आपके बॉयफ्रेंड ने कोई गलती करी है और उसकी वजह से लड़ाइयां हो रही हैं तो बॉयफ्रेंड की गलतियों की लिस्ट ना बनाएं, क्योंकि अगर आप बीती बातों की लिस्ट को खोलकर बैठ जाएंगे तो लड़ाई कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। इसी के साथ साथ अगर आप चाहती हैं कि आप खुद को संभाल पाएं और अपने रिलेशन को भी संभाल पाएं तो लड़ाई जीतने से ज्यादा आप अपने बॉयफ्रेंड का दिल जीतने की कोशिश करिए और उन्हें समझाइए कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है तो आप आपस में बैठकर बातें करके उसे सुलझा सकते हैं। इसी तरीके से आप उन्हें भी संभाल पाएंगी और खुद को भी संभाल पाएंगी। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।